यार इतना टाइम हो रहा है यार, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे भाई बाल काटना है। अरे भाई अंदर कहाँ से चले आए भैया? कौन दरवाजे से आए? आप अंदर कैसे चले आए? अरे भैया आपकी आवाज आ रही थी, मुझे पता है, ऐसे नहीं घुस गया हूँ मैं किसी की दुकान में, समझ रहे हैं? आप गजब बात कर रहे हैं भैया, मैं दुकान में कैसे घुस सकते हैं? भाई मुझे जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं घुसता, मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। अच्छा, बात को समझिए। समझ रहा हूँ आपकी बात भाई। और कोई देखिए, आज संडे का दिन है, कोई दुकान नहीं खुली, कहीं पे भी नहीं खुली। आपकी मुझे खुली दिखी, मुझे दाढ़ी बनवाना। मैं बताना चाह रहा हूँ कि संडे का दिन है, हम मजदूरों को हाथ नहीं लगाते। अरे भैया कहाँ ये सब सुपरस्टिशियस चीजों पे आप बिलीव करते हो आज के जमाने में? धार्मिक इंसान है हम लोग, इसलिए प्लीज भाई काट दीजिए, देर हो रही है, माना करिए, लेट हो रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। देखिए मेरे मालिक, हम लोग का धर्म है, हम लोग एकदम अलाउ नहीं है। अरे भाई यार आप समझ नहीं रहे हो, आप समझ क्यों नहीं रहे भाई? टाइम देखिए क्या हो रहा है। तो है नहीं, हम कैसे देख? पीछे देख लीजिए भैया, अरे चार हो रहा है भैया, तो दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, लेट हो रहा है यार। अच्छा ठीक है, आप 200 रुपए ले लीजिएगा, बस चलिए खत्म करिए, चलिए बना दिए दाढ़ी। सुनिए, इतना क्या गौर कर रहे हैं पीछे? किसी ने आते हुए तो नहीं देखा? क्या पूरी मार्केट सुनसान है, कोई नहीं, सारी दुकानें बंद है, आज बंद ही है ना इसलिए। खैर इन सब बातों का क्या मतलब, आप दाढ़ी काटिए ना। ठीक है ठीक है बैठिए, मैं आता हूँ। फाइनली भैया बैठ बैठने में दे रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं। भैया इससे नहीं बनानी, ड्राई शेव करनी है, ट्रिमर यूज करिए। परेशान मत होइए, सब कुछ है, तो मत लीजिए। अरे भैया पानी मार दो कम से कम। बस करो भैया, क्या नहला दो भैया, करो भैया थोड़ा जल्दी कर दो। 2 मिनट लगेगा भैया, इतना तो टाइम देना पड़ेगा आपको। बाल भी काट दो क्या? नहीं भैया देर हो जाएगी, जल्दी करो। ब्लेड लेके अंदर से आते हैं, गाना बजा दे कुछ। भैया स्पीकर जो है हमारा वो खराब है, ठीक है, खराब काम नहीं कर रहा है। हाँ बहुत गड़बड़ा गया है। आइए भैया थोड़ा जल्दी आते हैं। मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी द परफेक्ट मर्डर। अरे आपको बोले ना कि स्पीकर नहीं सुना है। अरे भैया आप एकदम एकदम यहाँ पे पूरा शहर बंद है, हम आपको दाढ़ी बना रहे हैं, आप ऊपर से स्पीकर को बेची कर रहे हैं। भैया स्पीकर ही तो कौन सा तरीका है, नहीं मत करिए ऊपर। ठीक है भैया ठीक है, दिखाई दे रहे हैं कर रहे हैं, रुकिए दाढ़ी बनाने के बहुत ज्यादा जैसे नहीं है भैया, हमारे सामान को लेके हम लोग बहुत। भैया आप यहाँ के तो नहीं लगते हैं, कहाँ के हैं आप? यहाँ के नहीं है तभी ना यहाँ के नहीं लगते हैं, कहीं सब चीज़ों क्या मतलब है? आप कहीं सरकारी दफ्तर में काम करते हैं क्या? मैं ATS में हूँ, आतंकवादी विभाग। ऐसा बात कर रहे भैया, अब क्या बोल रहा हूँ मैं, आप किस तरीके की तुम बात कर रहे हो, ये सब चीज़ों से तुमसे क्या मतलब है यार? गाड़ी बनाओ लेट हो रहे हैं। अरे वैसे ही पूछ रहे थे, हमें का है एक ही धंधा, गाड़ी बढ़िया से बनी। भैया बहुत खींच रही दाढ़ी। अरे थोड़ा सा तो लगी गई थी, इतना परेशान हो रहा है। दुकान से कभी बाहर निकले हो? दुकान के अलावा कोई जिंदगी जानते हो कि नहीं? ना ना। ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि आप जैसे लोगों के पास शेविंग किट नहीं है। भैया तो मैंने आपसे पहले ही बोला कि मैं शेव नहीं करता हूँ, मैं ट्रिमर यूज करता हूँ, मेरा चार्जर खराब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, देखिए देखिए दाढ़ी यहाँ नहीं बनी है, ये दूसरा हाथ मारना बाकी। तो भैया आपका इंटरव्यू कल है? आज है। आज है? क्यों, हमको लग रहा है कि आपका इंटरव्यू ही नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है? आप हमको लग रहा है कि आप किसी लड़की से मिलने जा रहे हैं। अरे नहीं ऐसा नहीं।
क्या कर दिया आपने? भैया वो इधर उधर वो आप तो शेव लाइए, कुछ दिए हैं बैंडेज वगैरह? हम आपको बोल रहे थे कि आप इधर उधर हिलिए मत, सुनते तो आप हैं नहीं। दाढ़ी वाड़ी बनाना भी आता है कि बस ऐसे ही? भैया हमने आपसे कहा था आप ये है आफ्टर शेव, कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? भैया गलती हो गई, बैठ जाइए, दो मिनट लगेगा बस कंप्लीट कर लेते हैं। डस्टबिन कहाँ है? अरे यहीं पे किसी कहीं से बनाया भैया। और भी भैया मसाज कर दबा दे भैया आपका। हाँ सर दबा दीजिए। चंपी करिएगा बढ़िया, थोड़ा हल्का हाथ लगाइए, आप तो एकदम तरबूज की तरह दबा रहे हैं मेरे सर को। हाँ भैया आराम से ही दबा रहे हैं, तो आपका हम काम कर दो कुछ आप मुझे सुना रहे हैं। सबका पता है आपको कितना लग जाएगा? कितना? 500 रुपये। अरे भैया थोड़ा डिस्काउंट तो कर देना यार। डिस्काउंट हमारे यहाँ नहीं, 500 रुपये दीजिए। भैया दिख नहीं रहा क्या आपको? हाँ सीधा रखिए, दिख रहा है हमको। भैया रुकिए एक मिनट, चश्मा ढूंढ लेते हैं, कहीं तो रखा है। भैया देर हो रही है इंटरव्यू के लिए। 2 मिनट दीजिए, एक बार भैया चश्मा मिल जाए फिर फटाफट दाढ़ी बन जाए। क्या है ना हमारा थोड़ा कमजोर हो गया है। आपकी आँख कमजोर हो गई, आप मेरी पूरी दाढ़ी बना रहे हैं। भैया मुझे खून क्या कर रहा है? कहाँ पे खून नहीं है, क्या है कि हम अपने जो कुर्सी नहीं बैठे हैं आप ऐसे चार। एक विशेष सूचना, मुजरिम विक्रम साहू कल रात जेल से फरार हुआ है। विकास नगर, अलीगंज और खुर्रम नगर में उच्च सतर्कता यानी हाई अलर्ट जारी की गई है।